हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लीप कोड का कॉन्टेस्ट नंबर 185 सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वीकली कॉन्टेस्ट 185 लीप कोड का, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, दैट इज रीफॉर्मेट द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको ओपन जाने दो। हाँ, तो ये लीड कोड का 1417 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका स्निपेट उठा के मैं ओपन बोर्ड पे ले चलती हूँ। ठीक है, और समझते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो रीफॉर्मेट द स्ट्रिंग क्या है। यू आर गिवन एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, आपको एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग एस मिली हुई है। ठीक है, अब अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग भी क्या होती है, इन्होंने समझाई हुई है। इट इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग वो होती है जिसमें सिर्फ लोअर केस या तो इंग्लिश अल्फाबेट्स हो, इंग्लिश लेटर्स हो या फिर डिजिट्स हो, लेकिन क्या कंडीशन है, वो सिर्फ लोअर केस होने चाहिए। ठीक है, लाइक ए बी सी डी 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नॉट ए बी सी, कैपिटल नहीं होना चाहिए, ओनली लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड digits। ठीक है, that is alpha numeric string। ठीक है, अब you have to find the permutation of the string। permutation क्या होती है, ये भी हमें पता ही है। जैसे abc है, abc की permutation निकालनी है, मतलब इसके different arrangements, right? तो जैसे इसके arrangement, एक arrangement ये हो सकता है, एक arrangement ये हो जाएगा, एक arrangement ये हो सकता है, एक arrangement ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये different different arrangements हो गए उसी string के। ठीक है, तो हमें ऐसा ही कुछ करना है, हमें उस स्ट्रिंग का परमुटेशन बनाना है। उसमें क्या कंडीशन है, वेयर नो टू लेटर्स इज फॉलोड बाय अनदर लेटर। ठीक है, एंड नो डिजिट इज फॉलोड बाय अनदर डिजिट। अच्छा, कि यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, आपके पास लेटर्स हैं एंड डिजिट्स हैं, राइट? तो क्या होगा उस स्ट्रिंग में जो आप परमुटेशन लगाओगे, इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि लेटर्स के बाद एडजेसेंट में लेटर नहीं होना चाहिए और डिजिट के एडजेसेंट में डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज नो टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स हैव द सेम टाइप। अगर एक लेटर है तो एक डिजिट होगा, एक लेटर है तो एक डिजिट होगा, दो डिजिट एक साथ और दो लेटर एक साथ नहीं आ सकते, दैट इज द कंडीशन। ओके, so you have to return that reformatted string or return an empty string if it is impossible to reformat the string। ठीक है, तो आप ये, अगर ये string reformat हो सकती है, आप ऐसा कोई permutation लगा सकते हो, तो आप वो return कर दो, नहीं तो आप क्या करो, एक empty string return कर दो। ठीक है, तो question तो हमें clear हो गया, अब आप हमें दो test cases, right? अब देखते हैं ये test case क्या देते हैं। पहला test case हम ले चलते हैं, ठीक है, तो बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग में क्या मिला हुआ है, जी ए 0 b 1 c एंड 2। ये तो ऑलरेडी वैसे ही स्ट्रिंग है, राइट? हम इसके और परमुटेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज पहले जीरो लगा दो, ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, तो ये एक और परमुटेशन पॉसिबल है, राइट? ऐसे इन्होंने एक दो परमुटेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इस केस में लीड कोड। अब लीड कोड आप देख रहे हो, लीड कोड में तो डिजिट से नहीं है, आप इसको सेपरेट कैसे कर पाओगे, राइट? सारे लेटर्स हैं तो ये तो रीफॉर्मेट नहीं हो सकती, तो आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे। सिमिलरली सारे डिजिट्स हैं तो फिर भी आप रीफॉर्मेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको स्ट्रिंग हमारे पास अगर कोई गिवन है, हमें उसको इस हिसाब से उसमें परमुटेशन लगाने हैं कि लेटर्स फॉलोड बाय लेटर नहीं होना चाहिए, लेटर के बाद लेटर नहीं होना चाहिए और डिजिट्स के बाद डिजिट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोड करने से पहले अब सोचो ये क्वेश्चन होगा कैसे। मैं तो कर ही रही हूं, आप पहले पॉज करो इस वीडियो को और इस पे ड्राई रन करो, सोचो इस अपना अप्रोच सोचो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपना अप्रोच सोचो फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके समझा होगा। तो अब अपना अप्रोच अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कर रही हूं, देखो समझो। ठीक है, तो ठीक है, मैं सोचती हूँ मेरा अप्रोच कैसे होगा। ठीक है, तो इसी टेस्ट केस को लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है,
हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें अल्फाबेट्स होंगे एंड वर्ड्स होंगे, सॉरी लेटर्स होंगे एंड डिजिट्स होंगी, ठीक है। हमें करना क्या, हमें उन दोनों को अलग अलग बिठाना है। ऐसे तो हम स्कूल टाइम में करते थे, जैसे कि क्या होता था हमारे पास, लेट सपोज स्कूल टाइम में बॉयज हो गए और गर्ल्स हो गई, राइट। तो हमने क्या किया, एक लाइन में बॉयज को खड़ा किया, एक लाइन में गर्ल्स को खड़ा किया, ठीक है। अब बॉयज और बॉयज साथ में बैठते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत शोर होता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, एक लड़की बिठानी है, एक लड़का बिठाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बॉय उठाया, एक गर्ल उठाई लाइन में से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉय उठाया, नेक्स्ट गर्ल उठाई, नेक्स्ट बॉय, नेक्स्ट गर्ल, राइट। तो हमने अपना मिशन अचीव कर लिया, राइट, समझ में आया। ऐसे ही कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स है और क्या है, डिजिट्स है। तो आप क्या करो, जैसे एक अल्फाबेट उठाओ, एक डिजिट उठाओ, एक अल्फाबेट उठाओ, एक डिजिट उठाओ, एक अल्फाबेट, एक डिजिट, राइट। यही करना है हमें, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, एक अल्फाबेट, एक डिजिट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लाइन में लगाना होगा बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। लाइन में क्या लगाओगे, एक अल्फाबेट्स को और अपने डिजिट्स को। तो एक स्ट्रिंग में आप अल्फाबेट स्टोर कर लोगे ए बी सी, एक स्ट्रिंग में आप स्टोर कर लोगे डिजिट्स को, ठीक है। ये तो हो गया, अब क्या करना होगा, अब इन दोनों को आपको बस एक दूसरे एक स्ट्रिंग बनाओगे, उसमें एक अल्फाबेट उठाओगे, एक डिजिट उठाओगे, एक अल्फाबेट और एक डिजिट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट। एक छोटी सी चीज और है, अगर लेट सपोज यहाँ पे थ्री होता, एक और डिजिट होती, ठीक है, तो क्या फिर कैसे करते, अल्फाबेट उठाते डिजिट उठाते, अल्फाबेट उठाते डिजिट उठाते, अल्फाबेट डिजिट। बट ये थ्री तो बच गया और ये क्या हो गया, ये दो डिजिट एक साथ आ गए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप ये स्ट्रिंग को रिफॉर्मेट नहीं कर सकते, ए बी सी 0 1 2 3, क्या ये स्ट्रिंग रिफॉर्मेट नहीं हो सकती, हो सकती है ना। अगर आप पहले डिजिट उठा लो, पहले एक डिजिट उठाओ फिर अल्फाबेट, फिर डिजिट उठाओ फिर अल्फाबेट, फिर डिजिट, फिर अल्फाबेट और फिर डिजिट, तो हो गई रिफॉर्मेट। मतलब एक चीज क्या ट्रिकी समझ में आई, कि जो स्ट्रिंग बड़ी होगी पहले हमें वो उठानी होगी, ठीक है। एक चीज ये समझ में आई। अब ये निकालेंगे कैसे कि जो स्ट्रिंग बड़ी है छोटी है, किससे पता चलेगा, उसकी लेंथ से। तो एक चीज और समझ में आई, हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ भी निकालनी होगी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इस स्ट्रिंग की लेंथ आएगी 4, इस स्ट्रिंग की लेंथ आएगी 3, तो अगर हमें डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आएगा 1, ठीक है, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पे 4 भी होता, अब डिफरेंस कितना आता, 1 2 3 4 5, 5 - 3 डिफरेंस आता 2। क्या अब किसी भी परमुटेशन पहले अल्फाबेट लगा लो, डिजिट लगा लो, या डिजिट पहले लगाओ फिर अल्फाबेट, कोई भी अरेंजमेंट से, क्या अब आप ये स्ट्रिंग को रिफॉर्मेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नहीं कर सकते अब आप। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो मेरा पॉसिबल नहीं है उस स्ट्रिंग को रिफॉर्मेट करना, राइट। तो फिर मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एक और चीज समझ में आ गई, हम डिफरेंस तो निकालेंगे साथ साथ, हम ये भी पहले ही निकाल देख लेंगे कि अगर डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो ओके, 0 आ रहा है ओके है, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो मतलब पॉसिबल नहीं है रिफॉर्मेट करना, राइट। ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमें क्या अभी तक क्या समझ में आया, कि जो भी हमें स्ट्रिंग मिली होगी, सबसे पहले हमें उसको बाइफर्केट करना होगा बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, एक अल्फाबेट स्ट्रिंग और एक डिजिट स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इन दोनों का, सॉरी, फिर हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब तो हम पॉसिबल नहीं है इसको रिफॉर्मेट करना, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 ही होता, 4 नहीं होता, एक और चीज थी डिफरेंस निकालने का, कि हमें अब क्या करना होगा, सबसे पहले डिजिट्स को बोलना होगा कि पहले तुम आंसर में ऐड हो, एक आंसर नाम का जो स्ट्रिंग होगा, सबसे पहले हम कहेंगे डिजिट्स तुम ऐड हो, उसके बाद अल्फाबेट ऐड हो, ठीक है। तो एक इसके लिए भी हो गया। तो अब हम ये समझेंगे कैसे, कि पहले डिजिट उठाओ फिर अल्फाबेट्स फिर डिजिट और अल्फाबेट, मतलब हम डिजिट्स और अल्फाबेट्स में टॉगल कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक और चीज आई, ठीक है। तो वो अभी सोचते हैं, पहले इतना जो हमने समझा है इसको थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कोड की तरफ, हमें क्या मिला हुआ है, हमें स्ट्रिंग मिली हुई है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन तो नहीं करते, राइट, हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं,
राइट, हम स्ट्रिंग बिल्डर में मैनिपुलेशन कर लेते हैं, इजी होता है हमारे लिए, राइट. तो स्ट्रिंग बिल्डर बनाया हमने, ठीक है. इसको दे देते हैं अल्फाबेट नाम, अल्फाबेट नाम का, ठीक है. स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, अल्फाबेट, ठीक है. ठीक है, ये हो गया. अब एक और स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, इसके लिए डिजिट्स के लिए. तो ये तो हो गया, ठीक. एक अल्फाबेट नाम की स्ट्रिंग बना ली हमने, एक डिजिट्स नाम की स्ट्रिंग बना ली, ठीक है. अब क्या करना था, अब हमें इन दोनों में बाइफर्केट करना है. अपनी स्ट्रिंग जो हमें मिली हुई ओरिजिनल, उसके जो दोनों में एबीसी को अल्फाबेट्स में डालना है, 0, 1, 2 को डिजिट्स में डालना है. तो वो काम कर लेते हैं, लूप लगाते हैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है. एस डॉट लेंथ, ठीक है. और चेक कर लेते हैं, सबसे पहले तो करेक्टर निकालेंगे क्योंकि ये तो स्ट्रिंग में है. तो एस डॉट केयर एट, एक एक करके हमने करेक्टर उठाया. अगर मेरा करेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर करेक्टर जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 है, अगर इस केस में फंसता है, तो या फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही तो लाइन लिखनी है, तो क्या करो, अगर इस केस में आ रहा है तो किसमें आ डाल दो, अपने अल्फाबेट पे, अल्फाबेट में अपेंड कर दो मेरे कैरेक्टर को. एल्स किस में अपेंड कर दो, डिजिट्स में, डिजिट्स में अपेंड कर दो कैरेक्टर. यहां तक क्या हुआ, यहां तक समझ में आ गया क्या किया होगा, यहां तक, यहां तक अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, सॉरी एक सेकेंड, ए 0 b 1 c 2, तो मैंने क्या किया, एक अल्फाबेट नाम की स्ट्रिंग बनाई, एक मैंने किसकी नाम की बनाई, डिजिट्स नाम की, ठीक है. अब मैंने एक अल्फाबेट और एक डिजिट, अल्फाबेट्स में क्या डाल दिया, ए बी सी, डिजिट्स में डाल दिया 0 1, ठीक है. अब तक यहां तक ये दो स्ट्रिंग तैयार हो चुकी है. अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मेरा काम क्या था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना और डिफरेंस को चेक करना, राइट. तो डिफरेंस निकाल लेते हैं. डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले इन दोनों की लेंथ निकलेगी, तो ए लेंथ निकाल देते हैं, अल्फाबेट की लेंथ, अल्फाबेट की, फिर स्पेलिंग आई थिंक मैंने रॉन्ग लिख दिया, राइट, ठीक है. अल्फाबेट की लेंथ, ये तो आई थिंक पता होगा, अल्फाबेट डॉट लेंथ निकाली, तो इसकी लेंथ निकल जाएगी स्ट्रिंग की. सिमिलरली डी लेंथ निकाल दिया हमने, डिजिट्स डॉट लेंथ, ठीक है जी. तो यहां तक क्या हो गया, यहां तक में आ चुका होगा डिजिट की वैल्यूज, यहां पे आ गया होगा 3, यहां पे आ गया होगा 3, ठीक है. अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल देते हैं. डिफरेंस कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा मैट डॉट, बिकॉज हमें नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं चाहिए, राइट. हमें नेगेटिव में क्यों चाहिए, हमें बस इनका डिफरेंस देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ठीक है. तो ए लेंथ माइनस बी लेंथ हमने कर दिया, ठीक है. अब क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस को भी चेक कर लो, इफ डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो इसी टाइम पे आप रिटर्न कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है. यहां तक क्लियर हो गया कि अगर डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन 1 है तो वहीं पे रिटर्न हो जाएगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है. यहां तक में समझ में आ गया, राइट. डिफरेंस निकाला इसने, तो डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ पे 0, ठीक है. तो ये इस केस में तो नहीं आया, ठीक है. अब आ गई टॉगल वाली चीज, अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब तक हमने इतना काम कर लिया जो हमने सोचा था, हमने दो स्ट्रिंग्स बना ली, एक अल्फाबेट नाम की, एक डिजिट्स नाम की, हमने दोनों का डिफरेंस भी और वो बेस केस भी चेक कर लिया. अब क्या करना है, अब एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनानी है जिसमें हम इन दोनों को फिल करेंगे, किस बेसिस पे, एक बार अल्फाबेट एक बार डिजिट, ठीक है. अब डिजिट्स बड़ी है तो सबसे पहले डिजिट्स वाली चीज आएगी, तो ये कैसे पता करेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बूलियन एक फ्लैग नाम की चीज ले लो, जो क्या करेगा, ये बेसिकली टॉगल करवाएगा हमें इन दोनों के बीच में, ठीक है. कि अगर फ्लैग ट्रू होता है तो एक चीज ले लो, अगर फ्लैग फॉल्स होता है तो दूसरी चीज ले लो, और हर बार फ्लैग को हम टॉगल करते रहेंगे, ठीक है. थोड़ा सेंस लग रहा है, थोड़ा और देखते हैं इसको. जैसे कि एक आंसर नाम का मैंने एरे बनाया और एक मैंने फ्लैग बूलियन एक फ्लैग बना दिया, ठीक है. मैंने क्या बोला कि अगर डिजिट्स बड़ी है, डी लेंथ बड़ा है या इक्वल है ए लेंथ से, तो फ्लैग को क्या कर दो, फ्लैग आप हो जाओ ट्रू, नहीं तो आप हो जाओ फॉल्स,
ठीक है, मैंने बोला अगर डी लेंथ बड़ी है, यहाँ पे डी लेंथ बड़ी है तो फ्लैग मेरा ट्रू है, फ्लैग लेट सपोज अभी ट्रू है, अगर फ्लैग ट्रू है तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आंसर में ऐड करो डी लेंथ को, दो आइटरेटर्स ले लो, एक आइटरेटर आई ले लो डिजिट्स के लिए, एक आइटरेटर के ले लो अल्फाबेट्स के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले डी वाले को ऐड कर दो, अगर फ्लैग फॉल्स है तो ए वाले को ऐड कर दो, राइट, और जाते जाते क्या करो फ्लैग को टॉगल कर जाओ, अब फ्लैग हो गया फॉल्स, तो नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए फ्लैग किसको ऐड करेगा, ए लेंथ को, ए कैरेक्टर को ऐड करेगा, फिर फ्लैग ट्रू हो जाएगा तो फिर फ्लैग किसको ऐड करेगा, डिजिट को ऐड करेगा, तो कर लिया हमने टॉगल, राइट, तो कोड करते हैं, फिर और समझाती हूँ मैं इसको, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक आंसर नाम का एक स्ट्रिंग बिल्डर बना देते हैं, ठीक है जी, ये तो कर लिया, अब क्या करना है, दो आइटरेटर्स ले लो, ठीक है, ये आइटरेटर्स हम क्यों ले रहे हैं, मूव करने के लिए, ठीक है, किसमें, अल्फाबेट्स में एंड डिजिट्स के स्ट्रिंग में, ठीक है, अल्फाबेट और डिजिट के स्ट्रिंग में मूव करने के लिए हम दो आइटरेटर्स ले रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, अपना एक बुलियन ले लिया, सॉरी एक बुलियन फ्लैग ले लेते हैं, ठीक है, जो क्या है, अगर ए लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू डी लेंथ है तो ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो, ठीक है, ये भी कर दिया, एक हमने फ्लैग ले लिया, अगर ए लेंथ बड़ी है तो फ्लैग पहली बार में ट्रू होगा, या फिर अगर डी लेंथ बड़ी होगी तो फ्लैग फॉल्स होगा, अब हम लूप लगा देते हैं एक एक करके अपने करेक्टर्स में, ठीक है, एस डॉट लेंथ एक एक करके मूव करो, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, अब हमने सबसे पहले पूछा कि अगर मेरा फ्लैग ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो आंसर में आप अपेंड कर दो, किसको अपेंड करोगे, ट्रू है तो अल्फाबेट डॉट कैर एट जे, और जे को इंक्रीज भी कर देना, ठीक है, एल्स अगर फ्लैग ट्रू नहीं आ रहा तो आप आंसर में क्या अपेंड कर दोगे, डिजिट्स को, डिजिट्स के कैरेक्टर को, ठीक है, ये हो गया, और जाते जाते क्या करना है, फ्लैग को टॉगल करना नहीं भूलना है, ठीक है, ये हो गया यहां तक क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज, एक सेकंड, यहां पे ये लूप बंद यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, हाँ, उसके बाद यहां पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को स्ट्रिंग में चेंज करके, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा समझ लेते हैं, ये मैंने क्या किया लास्ट टाइम, ये टॉगल वाली चीज, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं, ये टॉगल वाली चीज को, ठीक है, ठीक है, तो इसको ट्राई रन करते हैं, मेरे पास एक अल्फाबेट नाम की स्ट्रिंग है जिसमें है ए बी सी, एक डिजिट्स नाम की है जिसमें पड़ा हुआ है 012, ठीक है, यहां तक तो है मेरे पास, अब एक आंसर नाम का मैंने एक और स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, एक आइटरेटर ले लिया जे, एक आइटरेटर ले लिया मैंने के, ठीक है, अब फ्लैग ने चेक किया ए लेंथ ग्रेटर देन इक्वल है डी लेंथ से, हाँ ये तो इक्वल है, तो फ्लैग अभी केस में क्या है, ट्रू पड़ा हुआ है, ठीक है जी, फ्लैग तो ट्रू पड़ा है, ओके, अब हमारे लूप के अंदर सबसे पहले ये ए जीरो बी वन सी टू, सबसे पहले ये ए कैरेक्टर पे आया, ठीक है, आई जीरो इसमें आया, अब फ्लैग ने देखा कि फ्लैग तो ट्रू है, सबसे पहले आंसर में क्या अपेंड हो जाएगा, अल्फाबेट डॉट कैरेट जे प्लस प्लस, ठीक है, तो जे प्लस प्लस तो बाद में होता है, तो जे यहां पे पहुंच जाएगा, उससे पहले ये आंसर में ए अपेंड कर देगा, ठीक है, अब फ्लैग को मैंने टॉगल करके क्या कर दिया, जाते जाते फॉल्स, ठीक है, अब क्या हुआ, आई वन हुआ, आई यहां पहुंचेगा, अब फ्लैग देखेगा फ्लैग तो फॉल्स है, तो अब आंसर में अपेंड कर दो के प्लस प्लस कर देना, और पहले सबसे पहले कैरेट के, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, राइट, तो ये तो पोस्ट होगा बाद में होगा, तो पहले जीरो ऐड हो जाएगा फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, अब क्या हुआ, अब फ्लैग को मैंने फिर से टॉगल करके ट्रू कर दिया, ठीक है, फिर से मैं आई, आई इंक्रीज हुआ, अब फ्लैग ट्रू है, अब आंसर में क्या अपेंड करो, बी को और जे को इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहले अल्फाबेट आएगा फिर डिजिट आएगा, ठीक है, तो फ्लैग मैंने क्यों रखा, टॉगल करने के लिए,
ठीक है, हर बार फ्लैग को मैं टॉगल करती हुई जा रही हूँ लास्ट में, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए, ठीक है। और मैंने बीच में कंडीशन लगा रखी है कि अगर ट्रू है तो इसको ऐड करना, अगर फॉल्स है तो इसको ऐड करना, राइट। और मैं हर बार चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है, तो अपने आप ये टॉगल होता रहेगा बीच में, ठीक है। एक रन देते हैं इसको, एरर दिखा रहा है, एक मिनट, इसको पहले तो मैं थोड़ा सा वो कर दूं, रब कर देते हैं इनको, ठीक है। तो कैनॉट फाइंड सिंबल, अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड कर दिया, ठीक है, यही एरर है आई थिंक, देख लेते हैं, ठीक है, ये हो तो रहा है केस में, अब बाकी सारे टेस्ट केसेस में देख लेते हैं, हाँ ये तो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्विक रिव्यू दू तो हमारे पास अगर ऐसा कुछ है, हमें करना क्या था, हमें बताना था कि हम ऐसा कोई परम्यूटेशन लगा सकते हैं कि एक लेटर आए और एक डिजिट आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो इन दोनों को बाइफर्केट कर दिया, ठीक है, सबसे पहले एक अल्फाबेट नाम का स्ट्रिंग बना लिया, एक डिजिट नाम का बना लिया, दोनों में एड भी कर दिया, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और चेक कर लिया कि अगर डिफरेंस ग्रेटर देन वन है तो वो भी इस केस तो उसी टाइम लगा दो कि अब हम आगे तो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना है, जिसकी लेंथ बड़ी है सबसे पहले अपने आंसर वाले स्ट्रिंग में उसको ऐड करना होगा, ठीक है, सबसे पहले उसे ऐड कर दिया, टॉगल करने के लिए हमने एक फ्लैग ले लिया बुलियन, ठीक है, ये हमें टॉगल करवाता रहेगा, अगर फ्लैग ट्रू होगा तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो इसको ऐड करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, अपनी स्ट्रिंग ऐसी रिफॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना दी, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं इसी लीटकोड कॉन्टेक्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है।